हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुभव रवि के मैथ्स में। तो दोस्तों, अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 2, कक्षा नंबर 8, प्रश्नावली नंबर है आपकी 13.1। अब ये उदाहरण उदाहरण नंबर 1 जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, सिंपल सा है और आसान है। वीडियो अगर लास्ट तक देखते हो तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो सिंपल है, देखो। अब देखो, एक विद्यार्थी को गणित में 10 अंक मिले। कितने अंक मिले गणित में? 10। ठीक है, यदि यह 40% है। अगर अंकों में बात की जाए यानी संख्या में, तो यह है 10। और यदि यह 40% है और प्रतिशत में बात की जाए तो यह कितना है? 40 है। बताइए गणित की परीक्षा का पूर्णांक कितना है? अब की बार हमें पूछा है गणित का जो कुल पूर्णांक है ना, वो कितना है, उसमें से हमें मिलने हैं 10 अंक। यानी कि आपको देखो, किसका निकालना है? गणित की परीक्षा का पूर्णांक। तो हम क्या करते हैं, गणित को मान लेते हैं भी गणित का इतना अंक है। माना गणित का पूर्णांक, तो गणित का पूर्णांक हम क्या मान लेते हैं, एक बार x मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर मानना और लिख लेना। माना गणित का पूर्णांक कितना माना? पूरा x माना। अब इस x में ही तो ये है 10 से, ये जो x है वो किसका है? 10 है। अब देखो, x का 40%, x का 40% किसके बराबर है? 10 के बराबर। थोड़ा सा देखते रहना, कन्वर्ट होते रहे ना, आपको समझ में आएगा। अब देखो, एक्स का 40%, 40% किसके बराबर है? 10 अंक के बराबर है। और मैंने पिछले वाले वीडियो में लिखा दिया है कि का क्या मतलब होता है। यहां पर ये जो का है ना आपका, ये का इसका मतलब होता है गुणा। तो यहां पर देखो, x को किसके साथ गुणा करेंगे? 40। और प्रतिशत है, प्रतिशत या तो मान लो आपको प्रतिशत को हटाना है तो इसके अंदर हम देंगे 100 का भाग, और दूसरी भाषा में अगर कहें तो प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे। इसको कहते हैं भिन्न, यानी बट्टा में अगर कोई संख्या लिखी होती है बट्टे में, तो वो कहलाता है भिन्न। अब देखो, इसको प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए किसका भाग देंगे? 100 का। अब देखो बराबर में क्या बचा? 10। अब दोस्तों, जो चीज कट रही है उसको काट दो, 0 से आपका 0 कैंसिल हो रहा है। इधर क्या बचा? x गुणा 4/10, उधर क्या है? 10। अब देखो, यहां पर और कट रहा है आपका, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और नीचे आया 5। 2 का भाग 4 में 2 आएगा 2, 2 का भाग 10 में 2 आएगा 5। तो x गुणा 2/5 और बराबर में क्या है? 10। अब देखो, ये है नीचे भाग में, ये किसमें है? भाग में। अगर इसको गुणा में चेंज करना है तो बराबर के साइड में क्या है? 10। इधर भाग में है और उस तरफ जाकर किसमें चेंज हो जाएगा? ये गुणा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, x तो x है। अब देखो, 10 को 5 से गुणा करो 50। ये इस साइड x के क्या है? ये गुणा में है। ठीक है, 2 क्या है इसके? गुणा में। अगर इस साइड गुणा में है तो बराबर की दूसरी साइड में ले जाएंगे 2 को, तो वो चेंज हो जाएगा भाग में। x तो है ही हमारे इस साइड में। अब 2 का भाग 2 दोस्तों किसमें? 50 में। तो कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25। तो बताओ, माना गणित का पूर्णांक कितना था? x। अब हमारा x बराबर क्या निकल कर आया है? 25। तो पूरा गणित का पूर्णांक क्या है? 25। और उस 25 में से उस विद्यार्थी को कितने अंक मिले? 10 अंक मिले। तो इस प्रकार दोस्तों, आप बड़े ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आपको मानना है कि गणित का एक्स है। और देखो, यहां पर यदि ये 40% है, यानी कि अगर परसेंट में बात की जाए तो ये 40 है, तो एक्स का 40% किसके बराबर होगा? 10 बराबर। 10 अंक और 40% दोनों बराबर है, बस इसी में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन हो जाएगा, x बराबर हमारा 25। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, तो गणित का कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक। अब देखो, यहां पर माना गणित का पूर्णांक क्या माना था? x। तो x बराबर कितना निकला है? 25। तो ये आपका गणित का कुल पूर्णांक आ गया। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड देखते रहिए हमारे चैनल अनुभव रवि के मैथ्स को।